हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2020 के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, वो है साइंस एंड सब्सटेंस। बात हो रही है कि किस तरीके से हमको दो चीज़ें दिखी। पहली बात तो जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए तो दो हमें सेपरेट पार्ट्स दिखे, एक तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का और ट्रंप का रिश्ता है, और दूसरा जो बायलेटरल एक्चुअल जो आउटकम्स आए, जो एक्चुअल रिजल्ट आया इन दोनों के रिलेशनशिप का दिल्ली मीटिंग के बाद, वो हमको दिखा। ऑन द फॉर्मर इट इज़ क्लियर दैट द पब्लिक एड्रेस एट अहमदाबाद सरदार पटेल स्टेडियम रिफ्लेक्टेड एन अनप्रेसिडेंटेड रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मोटेरा जो स्टेडियम है, जो अहमदाबाद का सरदार पब्लिक स्टेडियम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। हालांकि मोदी जी ये कह गए कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ऐसा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये, ठीक है। और इसमें जो है अनप्रेसिडेंटेड रिलेशनशिप इन दोनों के बीच की दिखी, और दोनों ने एक दूसरे के काम को तारीफ भी की, एडमिरेशन भी की। ट्रंप ने मोदी को अ ट्रू फ्रेंड, अ ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल लीडर, और कहा कि इंडिया की प्रोग्रेस के लिए यही जिम्मेदार है। बाद में मोदी को अ वेरी रिलीजियस मैन, अ वेरी काम मैन, बट अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन भी इन्होंने कहा। बदले में मोदी जी ने भी ट्रंप को तारीफ की, उनकी लीडरशिप के लिए तारीफ की, उनके परिवार को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो इस हिस्टोरिक विजिट के लिए आए जिसके लिए एक नया फेज दोनों देशों के रिश्ते में खुल चुका है। ट्रंप को इनविटेशन दिया था हमने इस साल, राइटर के मुताबिक वो अपने आप में एक पॉलिटिकल इंडोर्समेंट था। पॉलिटिकल इंडोर्समेंट क्या होता है? अभी मोदी जी हाउडी मोदी इवेंट में गए तो उन्होंने जाके ऐसे बोल दिया कि अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार मोदी सरकार इसका मतलब वो ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। और बाकी जो पार्टीज थी, जैसे अपोजिशन जो पार्टी है, डेमोक्रेट्स वाली जो पार्टी है, जिसके लीडर ओबामा भी थे, जिसके द्वारा प्रेसिडेंट ओबामा भी बने गए, तो मतलब एक तरीके से हम ना वहाँ पे पॉलिटिक्स में दखलअंदाजी कर रहे हैं। तो ऐसा माना गया था कि पॉलिटिकल इंडोर्समेंट, और वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी से नाराज हो गई थी हमसे। हालांकि ट्रंप के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम मोदी जी ने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह दिया। और ट्रंप अभी वापस आए हैं, इलेक्शन ईयर है, तो वापस ये कहा जा रहा है पॉलिटिकल इंडोर्समेंट था, क्योंकि जो अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन्स रहते हैं उन्होंने ट्रंप को वोट बहुत कम ही दिया था। करीब 70-80% इंडियन अमेरिकन्स ने पिछली बार ट्रंप को वोट नहीं दिया था, तो ट्रंप उसी डेफिसिट को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी जो है खुश हुए तीन वजह से, एक तो ट्रंप ने कश्मीर के बारे में कुछ ना बोला, सीए के ऊपर जो कल दिल्ली में राइट्स हुए उनके ऊपर भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जो है वॉयलेंस के बारे में मैंने सुना, लेकिन जो है मोदी जी हमको संभाल लेंगे। और सीए भारत का एक अंदरूनी मामला है, कि इंटरनल मैटर है, भारत जो है एक अच्छी दिशा में इसको लेके जाएगा। और ट्रंप ने मोदी जी को कहा कि मोदी जी जो है वो रिलीजियस फ्रीडम में बिलीफ रखते हैं। हालांकि खुश इसी बात से नहीं हुई कि ये बातें नहीं, खुशी इस बात से हुई कि ये चीज़ें जो है पहले विजिट में ट्रंप के आने से पहले कही गई थी यूएस के ऑफिशल्स के द्वारा कि ये बातें कहीं जाएंगी, और ट्रंप जब आए तो ये बातें नहीं हुई, ठीक है। तो विजिट के कॉन्क्रीट अगर आउटकम की मैं बात करूँ, चाहे वो इतना जो कहा जा रहा है कि ड्रामेटिक है, हिस्टोरिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है जितनी इमेजेस दिखाई जा रही है। हाँ, 5 MOUs, अभी मैं आपको बताऊँगा, अभी मैं आपको हुआ क्या डिटेल में बताऊँगा। 5 MOUs जो थे वो रेडी थे, तैयार थे साइन होने के लिए, बस साइन मारना था उन पर। 3 जो है वो हेल्थ केयर पर हो गए, ठीक है, और 1 जो है वो लेटर ऑफ कोऑपरेशन हुआ LNG पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। और फ्यू मेजर डील्स भी हुई थी, जैसे कि अब देखोगे कि आप जो 2 डील्स हुई हैं वो कंप्लीट नहीं हुई। एक तो जो न्यूज़ में आ रही थी कि हमारी जो कंपनी है पेट्रोनेट, वो अमेरिका की गैस कंपनी टेलोरियन में इन्वेस्ट करेगी, और कमर्शियल एग्रीमेंट होएगा कि वहाँ पे जो वेस्टिंग हाउस है, वो आंध्र प्रदेश में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। दोनों डील पूरी नहीं हो गई, और जो डील पूरी हुई, जो साइन हुई, वो है $3 बिलियन की, जो न्यूज़ में भी है, जिसमें हम सीहॉक हेलीकॉप्टर्स भी ले रहे हैं 24, और अपाचे 6 हेलीकॉप्टर्स भी ले रहे हैं। इनके बारे में डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और ये $3 बिलियन, एक $3 बिलियन की वैल्यू ही मत देखो आप, इसमें देखो कि आगे आने वाले टाइम पे इंडो पैसिफिक में चाइना को जो हमको चैलेंज दिखेगा, क्या चाइना के लिए क्वाड सफिशिएंट है? नहीं।
चाइना के लिए अभी तक जो हम कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में सफिशिएंट है नहीं। हमने आर्टिकल पढ़ा था पिछले कुछ दिनों में कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में यूएसए केवल और केवल मिलिट्री एस्पेक्ट देखता है। फ्री फेयर इंडो पैसिफिक का मतलब उसका यही है कि उसकी मिलिट्री डोमिनेंस बढ़े, ठीक है, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन हमको एशिया को वार में नहीं धकेलना। तो कोशिश ये की जाए कि मिलिट्री एक्सरसाइज तो बढ़ेगी ही, टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी हो, डिफेंस में भी काम हो, और इनमें जो है ये होएगा क्योंकि $3 बिलियन की जो डील हुई है वो एक इशारा है कि इन पे भी आगे काम करेंगे। और चाइना की जो हेजेमनी जो बढ़ती जा रही है साउथ चाइना सी में, ट्रंप ने और मोदी जी ने भी एक ही बात कही कि चाइना को काउंटर करना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे भी दोनों की सेम विचारधारा है, हालांकि कोई कॉन्क्रीट इन्होंने जो है प्लान नहीं बताया ट्रंप ने कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी उनकी क्या है, क्या पार्टनरशिप में आगे वो करेंगे, किस तरीके से चाइना जित लोग देशों को लोन दे रहा है, डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, कोई कॉन्क्रीट स्टेप इस पे नहीं लिए गए। हाँ, केवल एक डायरेक्शन जो है बताई गई कि डायरेक्शन है हमारी, दोनों सरकारों को अनफिनिश्ड जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर काम करना पड़ेगा। और हाल ही में कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप जो नई डिज़ाइन की गई है उसके लिए कोर्स चुनना पड़ेगा, रास्ता चुनना पड़ेगा, आगे पूरा करना पड़ेगा। मोर इमीडिएटली विद द पॉलिटिकल बैकिंग ऑफ द बोथ लीडर्स, दोनों लीडर्स की भारी बहुमत है हमारे देशों में, तो दोनों को यहाँ पे ट्रेड डील अब करनी ही पड़ेगी, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है। ट्रेड डील यहाँ पे नहीं हुई, कोशिश ये की जा रही थी कि जो डेफिशिट्स हैं डेफिशिट कम करने के लिए कुछ तो होएगा, लेकिन जो है ट्रेड डील नहीं हुई। और ट्रंप ने कह दिया था कि ट्रेड डील अभी नहीं करेंगे, इंडिया के लिए ट्रेड डील हम बाद में करेंगे जब चुनाव जीत के आएंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भी आने वाले थे, हालांकि वो बाद में आएंगे, तो ट्रेड डील जो है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पोस्टपोन कर दी गई है। ये आर्टिकल देखो, दिल्ली ने 2007 से $21 बिलियन डिफेंस पे खर्च कर दी, केवल यूएसए के साथ अगर मैं बात करूँ तो। $3 बिलियन की डील अभी हुई, तो इसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर 24, AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर 6, ये 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स ले रहे हैं, इनकी कॉस्ट आ रही है ₹15,157 करोड़, और इस साल हम 6 लेंगे, फिर बाकी के जो 18 आएंगे वो अगले 4 साल में आते जाएंगे। अपाचे की हेलीकॉप्टर्स की बात करूं तो बेसिकली ये हेलीकॉप्टर्स, इनको AH-64E कहते हैं और अपाचे भी बोल देते हैं इनको, जो MH-60 है उनको रोमियो भी बोल देते हैं, है ना, तो रोमियो तो 24 हैं और अपाचे 6 हैं। अपाचे की कॉस्ट 5,691 आ रही है, अभी इतना डाटा आपको याद नहीं रखना एग्जैक्ट कितने की कॉस्ट आ रही है, आपको याद रखना है कि 24 हमने रोमियो हेलीकॉप्टर्स लिए, 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए, ठीक है, और ऐसे तो रोमियो इस साल आ जाएंगे 6, अगले 4 सालों में बाकी के 18 आ जाएंगे, और अपाचे हेलीकॉप्टर्स 2023 में आना शुरू होंगे, ठीक है। और बात बाकी आप ये देख सकते हैं क्या क्या डील जो है हुई है, क्या क्या इनकी टेक कैपेबिलिटीज़ हैं। माना जा रहा है कि काफ़ी जो ये रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं ये मल्टी मोड रडार है, इनके नाइट विजन है, नाइट में भी हमला कर सकते हैं, कॉम्बैट ये एयर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं। और अपाचे की तो आपने सुनी होगी कि इनमें जो है आप एयर टू एयर मिसाइल ले जाओ, एयर टू ग्राउंड मिसाइल ले जाओ, गन्स ले जाओ, रॉकेट्स ले जाओ, काफ़ी अच्छी सर्विलियंस कैपेबिलिटीज़ इसकी है। और बेसिकली इनको अपाचे हेलीकॉप्टर्स को कहा जाता है टैंक्स इन द एयर, जो आपके टैंक होते हैं ना आर्मी के पास ग्राउंड लेवल पे, वो कहा जाता है कि अपाचे जो है वो टैंक है इन द एयर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है, इसमें आप टैंक भी डाल सकते हैं, टैंक डिस्ट्रॉय कर सकते हो जमीन पे, काफ़ी जो है, और पूरी दुनिया में 2400 अपाचेज ऑपरेशनल है वर्ल्ड वाइड, हालांकि जो रोमियो हेलीकॉप्टर है वो केवल 300 ही है पूरी दुनिया में, है ना, तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कुछ डील्स हैं जो पाइपलाइन में, मतलब ये जो है होने वाली, लेकिन इन पे काम पूरा हुआ नहीं है। एक तो आप देखो 6 हम P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स ले रहे हैं, तो उसके अंदर 6 और एयरक्राफ्ट ले रहे हैं $1.8 बिलियन के।
नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सेकंड फॉर द मिसाइल शील्ड ओवर दिल्ली, ये भी हम आगे लेंगे $1.8 बिलियन के लिए, जो कि दिल्ली को प्रोटेक्ट हम कर सके, जो कि VIP इलाका है जहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति रहते हैं। 30 सी गार्डियंस आर्म ड्रोन्स $2.5 बिलियन का बताया जा रहा है, ये भी ले है, अभी लेना बाकी है। अभी 30 बिग एम के 45 नेवल गन सिस्टम फॉर वारशिप्स $1.2 बिलियन का ये डील होगी। तो ये जो है आगे डील्स होंगी, तो इनके बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स और रोमियो हेलीकॉप्टर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी भी दे दी कि किस तरीके से काम करते हैं ये, ठीक है, और बेसिकली कितने की कॉस्ट आई ये आपको याद रखना। ट्रबल लक्स बिहाइंड द बायलेटरल बर्न होमी, बात हो रही है कि किस तरीके से US और इंडिया टाइज जो आगे हुए और ट्रंप की विजिट ने जितने इसको मजबूत किया, कैसे हम दोनों को, एक दूसरे के लीडर को कैसे फ़ायदा मिलेगा। अगर हम इंडिया US बायलेटरल रिलेशनशिप की बात करें 21st सेंचुरी से, तो ये दिखेगा कि हम धीरे धीरे जो हैं, जो देश जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत और जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका, दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते गए, म्यूचुअल एंगेजमेंट ये बढ़ाते गए। इस सदी में सब कुछ हमारा जो है साथ में रहा, हम दोनों ने एक दूसरे की रोड ब्लॉक्स, मुश्किलें जो हैं साइड में रखते हुए हम आगे बढ़ गए। दैट असेसमेंट इज सर्टेनली एप्लीकेबल टू द करंट फेज इन द टाइज दैट बाइंड न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन, और ये असेसमेंट जो है आज भी एप्लीकेबल है जब हम अमेरिका के साथ पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया आए इस बार, और इन्होंने जो है ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी कोऑपरेशन पे आगे प्रोग्रेस की बात की और प्रोग्रेस के साथ डील्स भी की, और देखा गया कि किस तरीके से अब एक रोड मैप बन गया। अब पता चल गया कि ट्रंप और मोदी जी किस दिशा में काम करेंगे और किस दिशा में जो है वो जो एक दूसरे के जो क्रिटिसिज्म आ रहे हैं उनको चैलेंज करेंगे। चाहे अब देखो आप, मैं बताऊं आपको, ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की, मोदी जी ने ट्रंप की तारीफ की, दोनों इलेक्शन में एक दूसरे के साथ बेनिफिट लेंगे, दोनों एक दूसरे का रास्ता चुनेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे, ये एक रोड मैप बन गया। अब जो ट्रंप आए यहाँ पे मोटेरा स्टेडियम में आए, पहले ये अहमदाबाद गए, फिर आगरा गए, फिर न्यू दिल्ली में गए, और इंडिया की तारीफ की कि इंडिया ने एक दशक में पिछले 27 करोड़ लोगों को गरीबी से उठा दिया, और मोदी गवर्नमेंट की जो सक्सेस बताई कि क्या क्या इन्होंने किया, और कहा गया कि इंडिया की जो असेस है सैनिटेशन में, कुकिंग फ्यूल में, और हाईवे जिस तरीके से बन रहे हैं उसकी तारीफ की, और बेसिकली ये वही चीज़ें हैं जो मोदी जी ने हाउडी मोदी इवेंट में टेक्सास में जाके ट्रंप के लिए बोला, ट्रंप के लिए भी उन्होंने तारीफ की। तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि जो है एक पॉलिटिकल एंडोर्समेंट बताया जा रहा है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, अब ना इस आर्टिकल में ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगा नहीं, क्योंकि इसमें जो बेसिकली जो भी UPSC में आ सकता है मैंने पिछले आर्टिकल में बता दिया, और जो भी आर्टिकल हम पहले पढ़ चुके, USA ने CE पे बात नहीं की, कश्मीर पे बात नहीं की, तो ये देखा जा रहा है कि अब हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा होगा। हालांकि अगर ट्रंप जीतते हैं तो हमको फ़ायदा होगा, लेकिन साथ में जो ट्रंप के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो कि डेमोक्रेट है, या फिर आप देख लो अभी अपोजिशन लीडर कौन है वहाँ पे, जिनको बोला जा रहा है बर्नी, ठीक है, सैंडर्स बर्नी, बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो अपोजिशन लीडर है वो कह रहे हैं कि ट्रंप को $3 बिलियन की जो डिफेंस डील है उसके बजाय क्लाइमेट चेंज पे डील करनी चाहिए थी भारत के साथ। तो पोजीशन लीडर जो है इस विचारधारा के हैं, ट्रंप इस विचारधारा के हैं, ट्रंप की प्रायोरिटी ट्रेड रहती है, तो हमने जो है ट्रंप को काफ़ी सपोर्ट दे दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप को पॉलिटिकल इंडोर्समेंट भी कर दी, तो हम काफ़ी इस बात से सुनिश्चित भी हैं कि ट्रंप ही जीतेंगे, जैसा कि उनकी अप्रूवल रेटिंग देखी जा रही है। लेकिन अगर गलती से अपोजिशन लीडर जीत गए, या फिर जो कुछ भी अगर स्ट्रॉन्ग हो गया अपोजिशन जो पार्टीज़ है, या फिर उनको ज़्यादा बहुमत मिल गया, तो वो हमारे लिए कैसा परिणाम लगेगा? क्योंकि देखो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिक और जो सामने वाली जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया के साथ बहुत अच्छा जो है रिश्ता रखती है और काफ़ी अच्छी इंडिया की इमेज थी। धीरे धीरे CA, NRC, कश्मीर की वजह से और कई चीज़ों की वजह से हमारे जो रिश्ते बिगड़ते गए। अभी हाल ही में एक हमारे जयशंकर जी के साथ एक मीटिंग भी आयोजित करने की कोशिश करी वहाँ के एक लॉ मेकर ने, लेकिन जयशंकर जी ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो मीटिंग जो थी वो रिलीजियस फ्रीडम की थी, माइनॉरिटी पे थी, CA पे, इन पे बात होती। तो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि हमने ट्रंप को सपोर्ट किया, ट्रंप ने हमको GSP से हटा दिया, ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगा दिया, ये सब करते हुए ट्रंप अब ट्रेड डील करने जा रहे हैं, तो हमने सेट कर लिया कि ट्रंप के साथ ही होगा जो आगे होगा, ट्रंप ही जो है हमारे विजिट्स को आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, एड हमारे दोनों के रिश्ते बढ़ाएंगे। और कोई अपोजिशन लीडर आ जाता है
तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हमको फिर जो है हमारे एक्शंस को डिफेंड करना पड़ेगा। इंडिया और अमेरिका ने इतने सालों में जो कुछ भी गेन किया है ना, वो सब चला जाएगा और एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी, जिसमें जहाँ तक मुझे पता है क्लाइमेट चेंज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो अभी से इस पर अनुमान लगाना गलत है और ये एक तरीके का जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल हो जाएगा अगर ज़्यादा मैं इसको बोलूँगा तो अभी के लिए इतना ही। हम ये आर्टिकल बेसिकली बोर्ड अकॉर्ड पे, कि बोर्ड अकॉर्ड की वजह से और जो एस टी के जो लोग हैं वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि उनको जो है उनका ध्यान रखा नहीं गया। तो फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, बोर्ड अकॉर्ड क्या उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं आएगा। चौथा आर्टिकल है सेक्स एंड पावर। अभी जो है एक फॉर्मर हॉलीवुड प्रोड्यूसर पे उनको कन्विक्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने सेक्स क्राइम्स किए थे, तो इस पर ही उस पर बात हो रही है। वो जरूरी नहीं है हमारे लिए। डिबेटिंग वाटर क्वालिटी, ये जरूरी है और इस पर मैं जो हम आपको एक्स्ट्रा डिटेल भी दूंगा। डिबेटिंग वाटर क्वालिटी अभी हाल ही में अटल भूजल योजना लॉन्च हुई। यहाँ पे अटल भूजल योजना में 6,000 करोड़ रुपये की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होती है? स्पॉन्सर्ड मतलब केंद्र सरकार कुछ पैसा लगाएगा, राज्य सरकार कुछ पैसा लगाएगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब कि पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार ही देगी, 6,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ही देगी। नहीं नहीं, 6,000 में से 3,000 केंद्र सरकार देगी, 3,000 वर्ल्ड बैंक की तरफ से आएगा, है ना। तो इंडिया की तरफ से जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी, उसमें राज्य सरकार की कोई भागीदारी नहीं है पैसों में, है ना। तो इसलिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम इसको बोला जा रहा है, अटल भूजल योजना। काफ़ी जो है शुरू में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया जाएगा जिन पे पानी की काफ़ी शॉर्टेज है, ग्राउंड वाटर वास्तव में सीरियस शॉर्टेज है। और जल जीवन मिशन की हम अभी बात करेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट आई नवंबर 2019 में, जिसमें कहा गया कि शहरों में देखा गया कि वाटर क्वालिटी कैसी। दिल्ली में बहुत ही पानी ख़राब बताया गया, मुंबई में फिर भी थोड़ा बहुत सही बताया गया। पॉलिटिकली इसको जो है इशू बनाया गया, हालांकि एक खुशी की बात यह है कि कम से कम पानी का एक कंसर्न निकल के तो आया। और ये फैक्ट दैट वाटर शुड बी ट्रीटेड एज एन अर्जेंट कंसर्न फॉर पब्लिक हेल्थ एंड द इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी डिनाइड। ये जो फैक्ट है कि पानी को आज अभी से एक अर्जेंट कंसर्न लेके चलना पड़ेगा हमारी हेल्थ के लिए और इकोसिस्टम के लिए, इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते, इस फैक्ट को आप मना नहीं कर सकते। और पुअर क्वालिटी की वजह से हमारी जो ह्यूमन हेल्थ पर असर पड़ रहा है आर लार्जली इम्परसेप्टेबल, दिखेगी नहीं। आज आप जो गंदा पानी पी रहे हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे इसका असर पड़ेगा। हाँ, कुछ अगर एपिडेमिक ही हो जाए, एपिडेमिक मतलब अगर कुछ ऐसा खतरनाक बीमारी आ जाए तब तो दिख जाती है, लेकिन पानी की ये जो पोल्यूशन जो वाटर है, ये जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन वाली जो चीज़ें हैं, ये हमको अभी नज़र नहीं आएंगी। तो हमको ज़रूरी है कि हम जो है, और बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा ये गंदा पानी मिलता है जो कि नहीं जानते कि हेल्थ प्रॉब्लम कैसे कैसे इन गंदे पानी से होती है। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट आई 21 मेजर इंडियन सिटीज़ में, और बेसिकली जल जीवन मिशन के जो है ऑब्जेक्टिव्स इसमें देखे गए, कि जो है जल जीवन मिशन की भी हम बात करेंगे, जो कि 2024 तक हर घर जल की बात करता है। हर घर पानी, जो पीने का पानी आएगा वो पाइप से आएगा, नल से आएगा। तो 21 सिटीज़ में ये रिपोर्ट आई जिसमें दिल्ली का सबसे ख़राब पानी बताया गया। हालांकि अब जो है मैं आपको सॉल्यूशंस की ओर लेके जाता हूँ। हाँ देखो, प्रॉब्लम क्या क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो पर कैपिटा, देखो मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम बतानी है। सबसे पहले पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअल रिडक्शन, मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, पीने का पानी कम हो रहा है ना। दूसरी बात पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो ऑलरेडी पीने का पानी अवेलेबल है वो गंदा है। पानी का कई जगह पीने का पानी है ही नहीं, जहाँ भी है मोस्टली गंदा है। कंट्री की रिवर्स और वाटर बॉडीज पोल्यूटेड है। और तीसरा चैलेंज, ट्रीटमेंट कैपेसिटी केवल और केवल हमारे जो सीवेज आता है, सीवेज गंदा पानी, उसको ट्रीटमेंट करके उसको पीने का पानी या फिर यूज करने योग्य बनाने के लिए केवल 30% फैसिलिटी हमारे पास है मेजर सिटीज में। बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे शहरों की तो भूल जाओ। हाँ, तो छोटे शहरों में तो गंदा पानी फैक्ट्री से, कहीं से सीवेज से निकल के नदियों में मिल रहा है, तो वहाँ तो बात ही अलग। सिटीज़ में पानी की कमी है, जो पानी है उसमें ट्रीटमेंट फैसिलिटी केवल 30% है। ये चैलेंज है। एक चैलेंज ये भी है कि आज जिस तरीके से, अब इसमें आप रिपोर्ट दिखा सकते हो अपने आंसर को वजन देने के लिए, कि नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट थी, किस तरीके से 60 करोड़ भारतीय एक एक्सट्रीम हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस करते हैं, और हर साल 2,00,000 लोग मर जाते हैं क्योंकि उनको पास पीने का पानी, सेफ वाटर नहीं होता।
इनएडुकेट एसेस टू सेव वाटर, 2 लाख लोग हर साल, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा और क्राइसिस आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है। 2030 तक कंट्री की वाटर डिमांड जो है वो ट्वाइस हो जाएगी अवेलेबल सप्लाई से, जितनी अभी सप्लाई होगी 2030 में उससे ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल के लिए वाटर स्कैर्सिटी आ जाएगी। और दिल्ली में तो अगर मैं बात करूँ तो 81% ही हैं जिनको पाइप्ड वाटर सप्लाई दिया जा रहा है, पीने का पाइप्ड वाटर नल से आ रहा है, बाकी लोग कुएँ तो खैर क्या होंगे दिल्ली में, लेकिन मतलब जो पब्लिक सोर्सेज है वहाँ से लेके जा रहे हैं और वहाँ पे वाटर कंटेमिनेट हो, गंदा हो, पोल्यूटेड हो और पीने का पानी भी नल से साफ आ रहा हो ये भी ज़रूरी नहीं। हालांकि देखा जा रहा है कि केवल 75% जो 81% को पीने का पानी मिलता है नल से, उसमें से भी 75% को साफ पानी मिलता है ट्रीटेड वाटर। और ट्रीटेड मेथड पे भी कई सवाल उठ गए क्योंकि इस पे जो सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, ठीक है भाई यहाँ पे क्लोराइन और क्लोरोमाइन है, ये जितने कंटेमिनेटेड जो मटेरियल है इनको हटाया, ट्रीटमेंट किया, पीने का पानी बनाया, अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि इसमें वाटर क्वालिटी जो नेचुरल जो क्वालिटी होती है बिगड़ जाती है। अभी आरओ वाटर पे इल्ज़ाम लगा था, जो आरओ सिस्टम्स होते हैं जो घरों में यूज़ होते हैं, कि ये 80% पानी वेस्ट कर देते हैं और नेचुरल क्वालिटी बिल्कुल गिरा देते हैं, ये बात हुई थी अभी। तो फिल्ट्रेशन जो मेथड है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको सुधार लाना पड़ेगा। दिल्ली में भी अगर मैं बात करूँ तो यमुना में हरियाणा से पानी आता है और दिल्ली जो जल बोर्ड है उसको कई बार पानी रोकना पड़ता है क्योंकि ये जिस तरीके से प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन का, इसकी वजह से मैथेन लेवल बढ़ जाता है। ह्यूमन हेल्थ पे इसका इफेक्ट इमीडिएटली नहीं दिखता, समय के बाद 5 साल 10 साल के बाद इसका इफेक्ट दिखता है, ये भी एक चैलेंज है कि ह्यूमन का जो इसका जो हेल्थ। अब देखो कितने चैलेंज मैंने आपको बता दिए, ये चैलेंजेस लिख दोगे, अब आप सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं आपको बता दूँ, अच्छा ये तो एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हो, आंसर में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, अगर आपके पास वर्ड्स हैं जब तो लिख सकते हो। दिल्ली में यमुना का टोटल कैचमेंट एरिया एग्जांपल है कि 1% है, लेकिन दिल्ली जो है यमुना के टोटल पोल्यूशन का 50% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब यमुना केवल की, यमुना का अगर मैं ब्रॉड एरिया की बात करूँ तो 1% ही जो है दिल्ली से होकर गुजरता, लेकिन पूरे यमुना में जितना भी पोल्यूशन है वो दिल्ली से आता है 50%, है ना। तो ये है कि दिल्ली कितना पोल्यूशन कर रहा है। और सीवेज ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 30% ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे। देखो सिंगापुर, इसराइल में पीने का पानी है ही नहीं, वहाँ पे सीवेज से जो पानी आ रहा है उसको ही ट्रीट करके पीने का पानी बनाया जा रहा है। और अनऑथराइज्ड और एरिया में, खास करके अगर मैं रेगुलराइज्ड कॉलोनी में बात करूँ तो उसमें भी 45% जो है पॉपुलेशन के लिए सीवरेज सिस्टम नहीं है, ठीक है, और इतना पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो आप अपने सॉल्यूशंस में जल जीवन मिशन के बारे में लिख सकते हैं, अटल भूजल योजना के बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो अभी तो हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सोल्ड वेस्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, भाई घर बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, सीमेंट का पानी और कई कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो मिल जाता है नदियों के साथ, यमुना में मिल जाता है। तो हैंस इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट ओनली एक्सपेंसिव, इट ऑल्सो नीड्स इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस। क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना महंगा ही नहीं, इसके लिए गवर्नेंस में भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए, वाटर क्वालिटी का रेगुलेट आपको करना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट की या दिल्ली जल बोर्ड की इसमें फॉल्ट नहीं बताई जा रही क्योंकि उन्होंने कोशिश ये पूरी की है कि जो भी हो कर सके। हालांकि क्वालिटी वाटर 100% सप्लाई मिली नहीं क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि आप ज़्यादा अगर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करोगे तो वाटर की नेचुरल क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, नहीं करोगे तो क्लोराइन ये जैसे मटेरियल पीने के पानी में आ जाएंगे जिनके इफेक्ट आपको अभी नहीं दिखेंगे, 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद दिखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, जल जीवन मिशन, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या अफोर्ड हो रहा है, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और जल शक्ति अभियान अभी आया, तो ये हैं। और साथ ही साथ हमको जो है इनको और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एडिक्वेटली ये फंडेड नहीं है, उनको और भी हमको स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। ये पूरी तरीके से समाधान लाने की संभावना नहीं है इनमें, इसका स्केल, इतना स्कोप इसका बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि कोशिश, ये एक अच्छी बात है कि दिल्ली इलेक्शन की वजह से एक वाटर क्वालिटी पर डिबेट तो छिड़ी। जल जीवन मिशन की एक बार बात कर लेते हैं, जल जीवन मिशन जिसको हर घर जल भी कहते हैं, 2024 तक ये वादा करता है कि नल से पानी हर रूरल हाउस होल्ड्स में, टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स, गाँव की बात कर, ये पॉइंट जरूर याद रखना, टू ऑल रूरल हाउस होल्ड 2024 तक पीने का पानी नल से आएगा। और एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जल शक्ति मंत्रालय के जो अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। कवरेज ये आप एम देख सकते हैं इसका, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के साथ मिलके
जो है ये सप्लाई मैनेजमेंट का जो है काम करेगा। इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं किया जा रहा, केवल जो जितनी भी स्कीम्स हैं उसको मिलाया जाएगा और देखा जाएगा कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है, है ना। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सबसे पहले जितनी भी स्कीम्स हैं पानी से रिलेटेड उनको मिलाया जाए। गवर्नमेंट ने 1592 ब्लॉक्स पहचाने हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और ओवरली एक्सप्लोइट किया गया है, और ये ब्लॉक्स जो हैं वो 256 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं और ये जल शक्ति अभियान के अंदर पहचाने गए थे। इन पे जल जीवन मिशन जो है काम करेगा और देखा जाएगा कि पैसा जो और तरीके से लाया जाए इस स्कीम के अंदर, पैसा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा भी लाया जाए। ये क्या है? CAMP, ये बेसिकली अगर कोई भी कंपनी जंगल काटती है, पेड़ काटती है, तो वो पेड़ जो काटी उसने या तो वो कोई दूसरी जगह पेड़ उगा दे या उसके बदले में पैसा दे दे सरकार को। तो यहाँ जो पैसा इस फंड में आ रहा है उस पैसे को भी स्कीम में लगाने की बात की जा रही है। इस आर्टिकल में बात हो रही है कि जब कोर्ट एक वर्डिक्ट प्रनाउंस करता है, जजमेंट देता है विदाउट गिविंग रीजंस। देखो 9-judge बेंच अभी सुप्रीम कोर्ट की बैठी, तो देखा गया कि उन्होंने जो एक ऑर्डर दिया वो बेसिकली नॉन स्पीकिंग ऑर्डर था। अब स्पीकिंग ऑर्डर नॉन स्पीकिंग ऑर्डर में क्या फ़र्क है? स्पीकिंग ऑर्डर होता है, स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता क्या जनरली कि अगर कोई कोर्ट कोई भी अगर ऑर्डर दे रहा है और उस ऑर्डर में वो अपने कारण बताए, रीजन बताए कि वो एड्रेस उसने ऑर्डर ऐसा क्यों दिया, क्या कारण थे, क्या रीजन थे, मतलब उस ऑर्डर के सपोर्ट में एक रीजन दे, ये स्पीकिंग ऑर्डर होता है। नॉन स्पीकिंग होता है कि ऐसे कैसे ऑर्डर लिख दिया, उसके पीछे का रीजन वगैरह कुछ भी नहीं बताया। अब रीजन डिसीजन की इंपॉर्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में क्या है देखो, और क्वेश्चन मेंस में कैसा आएगा? क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स अंडरमाइन जुडिशियल इंटीग्रिटी डिस्कस, तो ऐसे आर्टिकल में से क्वेश्चन निकल के आते हैं मेंस में से। तो आप इसमें इंपॉर्टेंस लिखोगे सबसे पहले तो कि इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ अ रीजन डिसीजन इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कमिटेड टू द रूल ऑफ लॉ बिसाइड्स बीइंग सेल्फ एविडेंट कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड दिस क्यूरियस डिपार्चर फ्रॉम द नॉ मेरिट्स क्लोज एनालिसिस। तो अभी आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो कि जो सबरीमाला रिव्यू पिटीशन गई उस पर एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर आया इंट्रोडक्शन में, फिर आप लिखोगे इसकी इंपोर्टेंस क्या, इंपोर्टेंस में इसकी इंपोर्टेंस ओवरस्टेट नहीं की जा सकती, जितना बोलो उतना कम है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। और इससे अगर डिपार्चर होएगा, अगर इस प्रिंसिपल से कोर्ट अलग होंगे तो इस पे हमको क्लोज एनालिसिस करना पड़ेगा। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर पे रीजन्स की ज़रूरत को, रीजन देने की ज़रूरत को, रिक्वायरमेंट को बार बार इंडोर्स किया, रीजन ही नहीं दिया समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर पर, रीजन नहीं दिया कि ऑर्डर ऐसा क्यों दिया हमने, बल्कि इसकी ज़रूरत को भी अंडरलाइन किया, समझ रहे मेरी बात को, और कहा गया कि क्यों, लेकिन देखा भी गया कि जो सबॉर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस हैं हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इनको डांटा गया कि आप अपने ऑर्डर पर रीजन क्यों नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट खुद भी फॉलो करता और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको भी रीजन देने के लिए मजबूर करता, लेकिन अभी देखा गया कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, अब आप ये देखो कि ज्यूरिस्टिक बेसिस क्या है इसका। कई केसेस में आपने देखा होगा कि कोर्ट ने कहा है कि जो स्पीकिंग ऑर्डर होता है उससे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, भी डायग्राम बना के आप लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है और आर्बिट्रेरीनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। आर्बिट्रेरीनेस यानी ज़बरदस्ती जो है डिसीजन दे रहे हैं, मतलब कोई रीजन नहीं है यहाँ इसके पीछे, ठीक है, तो इसके चांसेस कम होते हैं आर्बिट्रेरीनेस के। हेल्थी डिसिप्लिन बनता है किन के ऊपर, जो लोगों के पास पावर है। और रीजन्स अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में देता है तो ये माना जाता है कि हर कंक्लूजन का एक हार्ट बीट है, लाइफ ब्लड है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि हमको पता चलता है कि किस तरीके से जुडिशरी सोचती है, किस तरीके से जजेस सोचते हैं, क्यों उन्होंने ऑर्डर ऐसा दिया। क्लैरिटी आती है और आर्बिट्रेरीनेस मिनिमाइज होती है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है सामने वाली पार्टी को जो केस हुआ जिसके ऊपर ऑर्डर गया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सोचा। और जो सुपरवाइज, और देखो एक हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपेलेट कोर्ट, सुपरवाइजरी कोर्ट, तो उसके नीचे ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं, हाई कोर्ट भी आते हैं, तो इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है कि ये स्पीकिंग ऑर्डर दें। और स्पीकिंग ऑर्डर वही होता है जो बेस्ट रीजनेबल होता है
और प्लॉजिबल नहीं होता, यानी केवल स्पष्ट रूप से लिख दिया, कोई रीजन इसके आगे पीछे का नहीं दिया। तो ज़रूरत क्या है कि कोर्ट जो है वो अपने डिसीजंस की एक रीजन दे, बताएं कि ऐसा डिसीजन क्यों आया, और ये चीज़ हवा में नहीं हो रही। ये सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 में भी ये चीज़ें कही गई है कि प्रोनाउंस जजमेंट होना चाहिए। प्रोनाउंस जजमेंट का मतलब कि पूरा रीज़न बेस्ड होना चाहिए। और अब तक के अगर मैं डिसीजन देखूं तो अब तक ऐसा ही हुआ है कि जुडिशियल जो ऑर्डर्स आए हैं वो स्पीकिंग ऑर्डर्स आए, और अगर खुद के वर्डिक्ट की बात करूं, भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को प्रेशर देता है, रीजन दो, स्पीकिंग ऑर्डर करो। खुद के ऊपर जब आज बात आती है, खुद के वर्डिक्ट की, तो देखा जा रहा है कि इस इम्पोर्टेंस से, इस प्रिंसिपल की इम्पोर्टेंस से डिवेल्यूएट वो हो रहा है ना। और इस फैक्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा कि रीजन देना ज़रूरी है, और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इनआर्टिकुलेट एट बेस्ट और इनडिसिजिव एट रोस्ट हो रहा है। इनआर्टिकुलेट यानी कि स्पष्ट नहीं है, आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट, इनआर्टिकुलेट मतलब अब स्पष्ट नहीं है, धुंधला डिसीजन दे रहा है। इनडिसिजिव मतलब बेकार, जो मतलब जिसका रीजन बेस कुछ भी नहीं है। तो इनडिसिजिव बहुत जो है रोस्ट की तरफ जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को इससे अंडरमाइन किया जाता और इससे इग्नोरेंस बढ़ती है। अब तक जो हककर्ता आ रहा था सुप्रीम कोर्ट स्पीकिंग ऑर्डर देता था, ये बेसिकली ज़रूरी था, और इससे अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है तो एक आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। आज हमारा कल्चर है जस्टिफिकेशन का। जस्टिफिकेशन मतलब रीजन दो, जस्टिफाई करो अपने एक्शन को। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होती है, इसको ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट अब कभी भी अगर जुडिशन देता है तो उसमें ये बताता है कि ऐसा क्यों उन्होंने किया, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या कारण है। ये चीज़ जो है साउथ अफ्रीका में भी देखी गई, ठीक है। बस ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है। और तो इन द लाइट ऑफ द अबव, अब मैंने आपको बता दिया कि इम्पोर्टेंस क्या है, और इससे अगर ऐसा नहीं करते तो क्या क्या होता है। चले, इससे जो जुडिशियल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और इनआर्टिकुलेट और इनडिसिसिव डिसीजन आता है, पब्लिक में जो है वो इग्नोरेंस बढ़ती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को प्रेशर देता है लेकिन खुद नहीं करता, मैंने बता दिया आपको। इन द लाइट ऑफ द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग पोस्ट ऑफ रेडिशलाइजेशन लेटर इज एन एंथेमा टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर अगर आप दोगे और ऑर्डर देने के बाद भी अगर आप अपनी कोई रीजन देते हो, तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की प्रिंसिपल उसके खिलाफ है, ड्यूटी है आपकी कि आप रीजन दोगे। जुडिशियल प्रोसेस में रीजन देना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस शुड नॉट बी अ मैटर आफ्टर थॉट। आफ्टर थॉट मतलब कोई चीज़ बाद में की जा रही है। ऑर्डर दिया तो उसमें आपको रीजन दो, जब आपसे पूछा गया तब आप बाद में कर रहे हो, ये जो गलत है। ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की कि रीजन वो दे, आज के खास करके आज के माहौल में कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस आर्टिकल आपके लिए था, ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।